एक बार जोर से आवाज लगाओ, खास कर मैं यहाँ वालों की एनर्जी पे जाता हूँ। कैसे आवाज लगाओ जोर से यार, अच्छी आवाज है। ठंडे में अंडे का रेडी लगवाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। सर मैं माहौल से माहौल निकालने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे बच्चों की इतनी अच्छी खासी एनर्जी है, इससे मैं ये जान गया हूँ कि इंडिया 100% वर्ल्ड कप जीतेगी। 100% और भाई साहब मेरा आप कलर फोटो खींच रहे हो, खींचने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट भी आएगा, मुझे अपनी खूबसूरती में पूरा भरोसा आया है। मैं तो बैंक से खड़ा था, एक दोस्त साथी में से लड़का को बोला कि आप सब बहुत काले हैं। मैं बोला कभी किसी काले आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता कौन काला आदमी कब अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। पिछले दिनों एक गाना आया था, गाने का दौर चल रहा था, पिछले दिनों एक गाना आया था जो मेरे बाप के समझ में नहीं आया, इस गायक के सिंगर है, नाम है धनुष, देखने में तीर कैसा लगता है, ये रजनीकांत का दामाद है। मुझे तो शक होने लगा रजनीकांत पे कि दामाद क्यों होता है इसका। मैं कहा चलो ठीक है, ये गाने का असर इतना हो गया कि बच्चों को ये गाना बहुत पसंद आ गया। एक बच्चा अपने माँ बाप से मिलन गया था, खो गया, रोना शुरू कर दिया, पुलिस वाले आके बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, बच्चा इसी गाने में शुरू हो गया, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा छोलापुरी, कोल्हापुरी में तो छोलापुरी थी, बोला माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा छोलापुरी, कोल्हापुरी में तो छोलापुरी थी। पुलिस वाले पूछा बच्चे से बेटा तुम किसके साथ आए थे, पापा 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 पापा। अच्छा पापा सदा से वेरी गुड, पापा देखने में कैसे हैं, बच्चा गाने में शुरू हो गया, पापा कर रहे हैं वाइट है वाइट है, पी के रहे थे टाइट है टाइट है, मनुष्य को मारे बेलन, माँ का नाम है विद्या बेलन, माँ मेरी कोला पूरी, बाप मेरा छोला पूरी, दोनों मिलती बेटे छोला पूरी जी। ये गानों का असर है आप लोगों के ऊपर, आसान बापू का आशीर्वाद बना रहे नहीं, जोरदार ताली तो बजा दो, बड़ा अच्छा लगता है कॉमेडी को। अच्छा यहाँ काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी के सारे पढ़े लिखे ही है, मैं भी इसमें लग रहा हूँ कि कुछ फंसा फंसा सा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा पढ़े लिखे लोग बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा निर्मल बाबा के कितने भक्त हैं, दो ही, एक दो से मैं ऐसे नहीं पढ़ लूंगा। देखिए मैं कॉमेडी में कॉमेडी प्रोग्राम में देखता हूँ, मुझे एक ही कॉमेडी प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है, वो है निर्मल दरबार, फुल कॉमेडी प्रोग्राम तरीके से शुरू होता है, न तंत्र चले न मंत्र, न रहे दुखों का डेरा, जब निर्मल बाबा हो आशीर्वाद तेरा, हमारे समागम में आइए और 2000 की टिकट लेकर आइए, हमारे समागम में आइए और गांव में समा जाइए, प्रोग्राम बिल्कुल अलग तरीके से शुरू होता है। एक आदमी खड़ा हुआ, बाबा बाबा के समागम में बहुत फायदा हुआ बाबा, क्या फायदा हो गया भाई, बाबा मेरे घर के सामने मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी वहां से चोरी हो गई, आपके समागम में यही मिली, ऐसा भी असर हो रहा है। एक और पहुंच गई, बाबा मेरे पति का एक आंख खराब है, अभी कभी से एक आंख को भाई, अभी कभी एक आंख कहां से दे सकता हूँ, घर जाओ की पानी जाए शुरू हो जाएगी, दिमाग ना खराब होगा, 2000 का टिकट लेकर आई हूँ, मेरे पति का एक आंख खराब है, अभी कभी से एक आंख को भाई, घर जाओ की पानी शुरू हो जाएगी, अभी चाहिए, कहां से अभी से दूंगा, क्यों आपके पास थर्ड आई है ना, एक आई से ट्रांसफर करो। देखिए अच्छा गानों का दौर चल रहा है, मैं रात की बात बता रहा हूँ, कल रात की मैं अपने घर में सोया हुआ था, हर शाम सुबह अपने घर में सोया मिलता है, रात के 2 बजे मेरे घर वाले भी उठाए, उठो, मैं बोला क्या हुआ, टीवी देखो, मैं बोला क्यों, सलमान खान का गाना रहा, देखो गाना आ रहा था, महीने में बारह तारीख से उसको प्यार जब पाऊंगा रे, दिल चिगा दे चिगा, मैं बोला क्या है, मैं सीखो सलमान खान से कुछ सीखो, मैं बोला क्या सीखना है, मैं सीखो 12 महीने 12 तरीके से प्यार करने का तरीके सिखा रहा है। मैंने कहा वो सलमान खान है और जिस हीरोइन से कह रहा है वो आसीन है, तू आस्तीन है, और जितना पेमेंट सलमान खान को प्यार करने का मिलता है मुझे उसका आधा मिल जाए, मैं 12 महीने में 24 तरीके से प्यार करता हूँ। आजकल एक गायक बड़ा फेमस हो गए हैं, सिंगर का नाम है हिमेश बेशर्मिया, और सॉरी रेशमिया, उनका गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, आशिक बनाया बाप ने, सॉरी आपने, इस गाने की शुरुआत भी अलग तरीके से होती है। आप अपने मोहल्ले में जाइए, आपको 4 टांग वाला हिमेश मिलेगा,
बुढ़ों को समझ में आ गया, पार्कों में टहलने निकल गए, आगे आगे बुढ़िया, पीछे पीछे बुढ़ा, बुढ़ी आई सैंडल निकाल बुढ़े को खींच दिया, बुढ़ा जो अपने घर पीट गया है उसकी बुढ़िया बोलते मार खा के आ गए, रस्सी जलने पर फल ही गया। अब बुढ़िया की बुढ़िया कह रहा है तुम्हें पता ही चल गया मैं मार खा के, सुनो जानम सेक दो पड़ गई जूतिया, जानम सेक दो पड़ गई जूतिया, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, तुम्हें तालियां देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ कुछ शादीशुदा लोग हैं, ज्यादा नहीं कि कुछ है शादीशुदा औरतों की पहचान होती है गले में मंगलसूत्र यहाँ पर लटका होता है, और शादीशुदा मर्दों की पहचान होती है शक्ल यहाँ पर लटका होता है। आप लोग तो कमाए हो, आपको कॉमेडी से क्या मतलब, आप ऐसे खुश रहते हो, प्रॉब्लम तो शादीशुदा लोगों का, मुझे भी कई बार बुलाते हैं आप थोड़े दिन कुछ तो कर लेगा, जब नई नई शादी होती माहौल क्या होता है, 2-4 साल के बाद आपकी जिंदगी में ये दिन आएंगे, कभी ना कभी आप पे भी विपत्ति आएगा, शादी होगी, हाँ आएगी आएगी, जब नई नई शादी होती है माहौल क्या होता है, शाम के वक्त पति पति छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान से देखती कहती है आज चांद नहीं निकला, हाँ चांद नहीं निकला, पति कहता चांद क्या चीज है, तुम खुद चांद हो, ये सिर्फ 1 साल होता है। शादी के 5 साल बाद पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक दीदी कहती है आज चांद नहीं निकला, पति कहता हाँ टाइम है निकल जाएगा। शादी के 10 साल बाद पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक दीदी कहती है आज चांद नहीं निकला, पति कहता चांद मेरे बाप का है, जो मेरी पत्नी से निकलेगा जब उसका टाइम होगा तब निकलेगा, और चांद का नाम लो थप्पड़ मार दो मैं बड़ाई चांद वाली। और शादी के 25 साल बाद जब पति या खुद का अपना चांद होता है, पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक देखी कहती है आज चांद नहीं निकला, पति कहता इतना टेंशन नहीं मैं खुद का चांद लेके घूम रहा हूं, अब क्या मैं एयरपोर्ट निकालू उससे। और शादी के 50 साल बाद पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक देखी कहती है आज चांद नहीं निकला, पति कहता अब निकल भी जाए तो क्या फायदा, हाँ तालियां देते रहिएगा, बड़ा अच्छा लगता है उसकी बातें करता हूँ, मजा आता है। मैं एक बार प्रोग्राम करने के लिए जापान गया था, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं हिंदुस्तान से बाहर भी शो करने जाता हूँ, मेरा व्यसन आप चेक कर सकते हो, मेरे साथ थे जॉन लीवर, रात में प्रोग्राम किया बड़ा मजा आया, पहली बार जापान आए जरा घूम लेते हैं, सुबह घूमने निकल गए, घूमते घूमते शाम हो गई, थक गए थे भूख भी लगी थी, एक होटल में गए वेटर से बोले यार कुछ खाने का ले आओ, वेटर आगे बोलता चीक पंक्चर से पाओ, मैं बोला यार कहाँ फंस गए, जॉन लीवर मुझसे बोले यार जापानी जापानी आती है, मैं बोला नहीं फिर एक काम कर गूंगा बन जा गूंगे वाले से कुछ समझ जाएगा, मैंने वेटर से कहा वेटर समझ गया भूखा कुछ खाने के लिए मांग रहा है, उधर से मीट ला बोला मैंने इतना समझ गया सिर्फ खा लो मीट खा लिया, खा तो लिए था किसी से पूछ ले, बोले यार जापानी आती है, मैं बोला गूंगे वाले से पूछूंगा, बोला पूछ, मैंने वेटर से कहा मुर्गे का था क्या, वो कहता है टेंशन बढ़ी थी, मैंने पूछा बकरे का था क्या, वो कहता है मुझे गुस्सा आ गया, वो समझ गया पूछना चाह रहा है किस चीज का, वो भी इशारे में कहता है शुद्ध शाकाहारी हो गए। अंग्रेजों के जमाने की जेलर असरानी जी उनकी पड़ोसन थी, उनका 1 महीने का बच्चा था, वो बच्चा ले जाकर असरानी जी को तो कहती हूँ भाई साहब जरा बच्चे को संभाल लीजिए मैं मार्केट से सब्जी लेके आ रही हूँ, इतने बच्चा रोना शुरू कर दिया, असरानी जी को वही लोग याद आ गया जुजू जुजू जू यशोदा कन्नंद लाला वृक्ष का उजाला रे, बच्चा किस अंदाज में रोता है और असरानी जी अपने अंदाज में बच्चे को लोरी कैसे सुनाते हैं, मैं पहले बच्चे की आवाज सुनाऊंगा तालियों से चुप करा दिया और मैं रोता रहूंगा, इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं होगा मैं ही रोता रहूंगा, बच्चा कुछ इस अंदाज में रोना शुरू किया, बच्चा बेहोश हो गया। आप अगर बगल में असराही टाइप के पड़ोसी हो हमारे उसके गायक को या रहती नहीं है अपने बच्चे बच दीजिएगा, एक बार जोरदार ताली आपके लिए, मैंने पहले बता दिया था कि जो मेरे प्रोग्राम में ताली मिलेगा अगले दिन में घर में जाकर ताली मिलेगा, इसलिए भी इस नाम
आजकल मोबाइल का जमाना है, एक आदमी को मोबाइल इतना ज्यादा पसंद आ गया, मोबाइल वाले स्टाइल बात करना शुरू कर दिया। और भाई नाइस क्या रे, बोलता मेरा नाम तो राकेश हो गया, वो इतनी कंपनी का बोला नाम खुश हो जा। और भाई एक अगला बोलता है ठीक है पंगे कौन ले। उस आदमी का पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और अपनी बीमारी मोबाइल वाले स्टाइल बताते हैं। डॉक्टर साहब क्या बताओ, सुबह से नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, 3 मिस कॉल हो गए हैं, अजीब अजीब सा रिंगटोन बज रहा है। डॉक्टर उसे इसका जवाब देता है, तुम्हारा सेट खराब हो गया है, चीप निकालो दूसरे में डालो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आप अकेले हैं, आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया था, नमस्कार करके भगवान आपको बुलाए कामयाबी दे, मतलब आप गलत ही सोचते हो।